फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AS मोरल स्टोरी में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी की शीर्षक है बगुला भगत। एक घने जंगल वन में एक बहुत बड़ा जलाशय था। जलाशय में मछलियाँ, केकड़े, मेढक और ना जाने कितने प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहा करता था। बूढ़ा बगुला भोजन के लिए तालाब की मछलियों पर निर्भर था। वह दिन भर तालाब के किनारे घात लगाए बैठा रहता। जैसे ही कोई मछली नज़र आती, उसे लपक कर पकड़ लेता और अपने पेट की ज्वाला शांत कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आँखें कमज़ोर होने लगीं और मछलियाँ पकड़ना उसके लिए दुष्कर हो गया। अब वह दिन रात एक टांग पर खड़ा होकर सोचता रहता कि ऐसी हालत में कैसी भोजन की व्यवस्था की जाए। एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति अनुसार वह तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे इस तरह विलाप करता देख तालाब में रहने वाले एक केकड़ा आश्चर्यचकित होकर उसके पास आया और उसने पूछा, बगुला मामा, क्या बात है, इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? बगुला बोला, बेटा कैसी बात कर रहे हो, अब मैं वैराग्य का जीवन अपना लिया हूँ और मछलियाँ तथा अन्य जीवों का शिकार छोड़ दिया हूँ। वैसे भी इस जलाशय के समीप रहते मुझे वर्षों हो गए। यहाँ रहने वाले जलचरों के प्रति मन में प्रेम और अपनत्व का भाव जाग चुका है, इसीलिए मैं उनके प्राण नहीं हर सकता। तो इस तरह विलाप करने का क्या कारण है मामा? केकड़े ने उत्सुकतावश में पूछा। मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूँ। आज ही एक जाने माने ज्योतिष को मैंने ये भविष्यवाणी करते सुना कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ेगा। यहाँ स्थित समस्त जलाशय सूख जाएंगे और उनमें रहने वाले सभी जीव जंतु भूख प्यास से मर जाएंगे। आसपास के सभी छोटे जलाशयों के जीव जंतु बड़ी बड़ी झीलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु इस जलाशय के जीव जंतु निश्चित बैठे हैं। इस जलाशय का जलस्तर अत्यंत कम है, सूखा पड़ने पर ये अतिशीघ्र सूख जाएगा। यहाँ के रहवासी सभी जलचर हमारे मर जाएंगे, यही सोचकर मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं। बगुले की बात सुनकर केकड़ा तुरंत तालाब में रहने वाली मछलियों और अन्य जलचरों के पास गया और उन्हें बगुले की अकाल संबंधी बात बता दी। ये सुनना था कि सभी जलचर बगुले के पास जा पहुँचे और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय पूछने लगा। दुष्ट बगुला तो इसी अवसर की ताक में था। वह बोला, बंधुओं, चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जलाशय जल से भरा पड़ा है। वहाँ का जल अगले 40 वर्षों तक नहीं सूखेगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर उस झील में छोड़ आऊँगा, इस तरह तुम सबकी जान बच जाएगी। बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में पहले जाने की होड़ लग गई और वे बगुले के अनुनय करने लग गए। बगुला मामा, हमें वहाँ पहले पहुँचा दो। ये देख बगुले की बाछें खिल गई। उसने सबको शांत किया और बोला, बंधुओं, मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लाद कर उस झील तक ले जाऊंगा, फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे अपने हो। उस दिन के बाद से बगुला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और कुछ दूरी तय करने के बाद एक बड़ी शिला पर पटक कर मार डालता। फिर छक कर अपना पेट भरने के बाद दूसरे दिन दूसरा शिकार अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़ता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बगुले को बिना परिश्रम के रोज एक मछली का आहार मिलने लगा। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे गया तो केकड़ा बोला, बगुला मामा, आपने सूखा पड़ने की बात मुझे सबसे पहले बताई, किंतु अब तक आप मुझे बड़ी झील लेकर क्यों नहीं गए? आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा, आज आपको मुझे ही लेकर जाना होगा। बगुला भी रोज़ मछली खाकर उब चुका था। उसने सोचा, क्यों न आज केकड़े को ही अपना आहार बनाया जाए, और वह केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठाकर उड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने देखा कि
कि एक बड़ी सी शिला के पास मछलियों की हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। उसे संदेह हुआ कि हो ना हो सब बगुले की करा धरा हो। उसने बगुले से पूछा, मामा और कितनी दूर जाना है? तुम मुझे उठाए उठाए थक गए हो। शिला तक पहुंचने के बाद बगुले ने सोचा कि अब वास्तविकता बताने में कोई हर्ज नहीं है। उसने केकड़े को सारी बात बता दी और बोला, केकड़े ईश्वर का स्मरण कर ले, तेरा अंत समय आ चुका है। अब मैं तुझे भी इन मछलियों की तरह इस शिला पर पटक कर मार दूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। यह सुनना था कि केकड़े ने अपनी नुकीली दांत बगुले की गर्दन पर गड़ा दिए। बगुले की गर्दन कट गई और वहीं तड़प कर मर गया। केकड़ा बगुले की कटी हुई गर्दन लेकर वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी सब जलचरों को बताई और बोला, अब वह दुष्ट मर चुका है, तुम सब लोग यहाँ आनंद के साथ रहो। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी की भी बात का बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, मुसीबत में धैर्य से काम लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।